इनकलाब इस्लामी ईरान की 33वीं सालगिरह और हफ्ते वादत की मुनासबत से कल्चरल कौंसलेट सेंटर इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम सकाफती नुमाइश का इनकाद किया गया। पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनक्कद होने वाली नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मोहतरमा फरदोस साशेकवान, पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर जनाब अली रज़ा हकीकियान और ईरान के सकाफती कौंसलर जनाब तकी सादकी ने किया। नुमाइश की तकरीबात में फ़नून लतीफ़ा, ईरानी दस्तकारियाँ, खुशनवीसी, मीनाकारी, मिनीचर, कुतब, तस्वीर, मुसवरी, इस्लामी इनकलाब के समरात की फहरिस्त और ईरानी रवायती आरफाना मौसीकी भी शामिल हैं। सकाफती हफ्ता के दौरान ईरान से आए हुए फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इस मौका पर वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मोहतरमा डॉक्टर फरदोस साशेकवान ने कहा कि इस तरह की तकरीबात मुनक्कद करने से दो बरादर इस्लामी ममालिक के अवाम को एक दूसरे की सकाफत से आशना होने का मौका मुयस्सर आता है। हमेशा ईरान ने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा जिस बहादुरी, जुरत और दलेरी से लड़ा है, हमेशा पाकिस्तानियों की जो दुआएं और एहसास हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो इनके साथ हैं और इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं वो अल्टीमेटली हमें एक दूसरे के करीब लाने का बायस बनती हैं। नुमाइश में ईरानी फीचर फिल्में भी पेश की जाएंगी। अवाम की कसीर तादाद ने नुमाइश में रखी गई अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। ये नुमाइश इंशाल्लाह दोनों ममालिक के सकाफत के लिए एक संग मील साबित होगी। सकाफती हफ्ता की ये तकारीब 10 फरवरी तक नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इस्लामाबाद में जारी रहेंगी। शब्बीर हुसैन, सैर आदमी नेटवर्क, इस्लामाबाद।